चित्रकूट नगर परिषद के सीएमओ रमाकांत शुक्ला द्वारा चित्रकूट की जीवन दायिनी और करोड़ों से दयालुओं की आस्था के केंद्र मंदाकिनी सफाई की मुहिम में लगातार जन कारवां बढ़ता जा रहा है। स्थानीय समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, साधु संत तथा आम नागरिक एकजुट होकर मंदाकिनी के श्रमदान में उतर चुके हैं। जिस मंदाकिनी नदी में कभी श्रद्धालु डुबकी लगाने से कतराते थे, उस मंदाकिनी में आज श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। यहाँ पार्क जन समर्थन हमारे सफाई अभियान को मिल रहा है। जब मैं ज्वाइन किया था 22 फरवरी को, और सेम डे मैंने देखा था कि हमारे ऑफिस के बगल से ही इतना बड़ा सीवेज का नाला गंगा में मिल रहा था। दूसरे दिन हमें उसको बंद कराया, डाइवर्ट कराया। इसके बाद हमने लोगों से चर्चा की, तमाम सब तरह के केवट रहे, जनता रही, साधु महात्मा रहे, हमारे DRI के अभय महाजन भाई साहब थे, इनका बहुत बड़ा अपार जन समर्थन मिल रहा। हम लोग राम घाट में करते हैं, भरत घाट में, ये अपने इधर सफाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये कारवा दिनों दिन बढ़ता रहा, क्योंकि 100-150 की संख्या में लोग आए हुए। तो निश्चित तौर से 15 दिन हमने सफाई कराई पोकलाइन मशीन से, हमारा 1 फीट जल स्रोत बढ़ा है। बरसात आ रही है, तमाम सारी गंदगी है, लोग अतिक्रमण किए हैं नदी में, जितने भी ऐसे डाउन एरिया हैं वहाँ हमारी कार्रवाई शुरू हो रही है। आज ही हम यहाँ निरीक्षण करने जा रहे हैं सब लोगों के साथ, जहाँ जहाँ डाउन एरिया है, जाम है, लोग इंक्रोचमेंट के। मंदाकिनी का पानी साफ एवं स्वच्छ दिखने लगा है, तो वहीं कई घाटों पर हुई सफाई की वजह से मंदाकिनी का वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। आज जन सहयोग से मंदाकिनी में सफाई में लोगों ने आरोग्य धाम घाट पर बेदेही घाट में जबरदस्त सफाई अभियान चलाया। सीएमओ ने कहा कि चित्रकूट नगर परिषद में ज्वाइन करने के बाद मंदाकिनी की हालत देखकर बड़ी चिंता हुई और मन में विचार आया कि मां मंदाकिनी को साफ स्वच्छ बनाने के लिए जन सहयोग की आवश्यकता है, और एक अभियान छेड़ दिया गया जिसमें चित्रकूट के सहयोग स्वयं सेवी संगठनों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्षदगण एवं महिलाएं, सख्त आम नागरिकों का सहयोग मिलने से आज मंदाकिनी की स्थिति काफी सुधर गई है। इसके अलावा मंदाकिनी में जो भी सीवर का गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए सीवर लाइन के काम को तेज गति से शुरू कर दिया गया। साथ ही मंदाकिनी में जहां लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और बरसात में डूब के प्रभाव का आशंका से भी उसे हटाया जाएगा, ताकि मंदाकिनी में गंदगी और अतिक्रमण से निजात मिल सके। HMTV लाइव के लिए सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट।